एवरीवन, आज मैं शेयर कर रही हूँ कच्चे कीमे के कबाब की रेसिपी और ये बहुत ही यमी बने थे। इसे ज़रूर ट्राई करें एक बार। इसके लिए मैंने लिया है आधा किलो कीमा, या फिर आप मटन की बिल्कुल छोटी छोटी सी बोटी कट कर ले और उसे मिक्सी में ग्राइंड करके उसका कीमा बना सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच जीरावन पाउडर जो पोहे में डाल के खाते हैं, अगर ना हो तो स्किप कर दें। 1 चम्मच डाला मैंने नमक और अब मैं इसमें 1 पूरा पाउच मैगी का डाल रही हूँ। इसके बाद मैंने डाला इसमें चिकन फ्राई मसाला, ये भी आपके पास हो तो डाल दें, अदरवाइज़ इसके विदाउट भी आप बना सकते हैं। अब मैंने हरी मिर्च और हरे धनिया को मिक्सर में दरदरा पीस लिया है और इसे भी इसमें डाल दिया है। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें 3 चम्मच बेसन, आप इसमें 3 से 4 चम्मच डाल सकते हैं, और 1 नींबू का रस डाल दें इसमें। इसे अच्छे से मिक्स कर ले। अब मैं इसमें 2 चीज़ डालना भूल गई थी, 1 रेड चिली पाउडर और 1 धनिया पाउडर, तो वो भी मैंने डाल दिया है इसमें। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो रेड चिली पाउडर को स्किप कर दें। टिकिया और कबाब जो होते हैं चटपटे और तीखे अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने इसमें दोनों मिर्च डाली है। मेरा मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है, अब मैं इसकी टिकिया बना रही हूँ। टिकिया को बिल्कुल पतला बनाएं क्योंकि ये फ्राई होने के बाद मोटी हो जाती है फूल के। अब हमें इसे फ्राई करना है। फ्राई करते टाइम एक बात हमेशा ध्यान रखें कि टिकिया को जब भी फ्राई करें तो ऑयल बिल्कुल तेज गर्म होना चाहिए। अगर आप थोड़े से ठंडे तेल में भी डाल देंगे तो ये टिकिया बिखरने लगेंगी, परफेक्ट फ्राई नहीं हो पाएंगी। एक बार टिकिया को पलटने के बाद आप फ्लेम को मीडियम कर दें और फिर इसे धीमी आँच पर अच्छे से फ्राई होने दें ताकि ये अंदर तक कुक हो जाए। आप देख सकते हैं कि इसमें बढ़िया सा गोल्डन कलर आ गया है। अब मैं इसे निकाल लूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।